स्टार्ट का बटन दबाना भूल गया था, सॉरी। तो वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहां पर मैं हम लोग जानने वाले हैं कि इस वीडियो में वर्ल्ड बॉस लेजेंड कैसे क्लियर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड बॉस लेजेंड क्लियर करने के लिए आपको कुछ पावर लेवल लगेगा। वो पावर लेवल एग्जैक्टली क्या है वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। शुरू करते हैं। तो आई होप करता हूँ कि आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये जो स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है, आपको वर्ल्ड बॉस लेजेंड क्लियर करने के लिए, मान लो आपको वर्ल्ड बॉस लेजेंड क्लियर करना है, ये वर्ल्ड बॉस लेजेंड क्लियर करने के लिए आपका एजेंट लेवल कम से कम मिनिमम एजेंट लेवल 0 से लेके 100 तक का होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर में वर्ल्ड बॉस लेजेंड का जो लेजेंड है उसको आप क्लियर कर पाओगे। उतना ही तुम स्ट्रांग बनोगे, उतना ही तुमको यहाँ पर स्टेजेस में परफॉर्मेंस में फायदा प्रॉफिट होगा। अच्छा, दूसरी आईडी दिखाता हूँ जो लेवल 57 की है। जिनका एजेंट लेवल 47 है उनका क्या होगा? उनका होगा ये कि उनके पास में कॉमिक कार्ड नहीं होंगे, ठीक है, सही वाले। अब जैसे ये बंदा है जिसकी एजेंट लेवल आईडी यहाँ पर में है 47, तो ये जो 47 नाम का जो बंदा है, इस बंदे का यहाँ पर तुम 47 देख सकते हो। इस 47 का जो आईडी है, इसके आईडी में कॉमिक कार्ड में बहुत ही कम प्रीमियम कॉमिक कार्ड है, एक ही है, बाकी ये नॉर्मल वाले कॉमिक कार्ड है। और दूसरी जगह पे हम लोग ये वाली चीज़ को देख सकते हैं, यहाँ पर में जो कॉमिक कार्ड है इसके अंदर ऑल अटैक वगैरह वगैरह जो बाकी के बोनस है, पीएस डैमेज वगैरह है, ये काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ही कम, बहुत कम, ना के बराबर। उसके बाद में नेक्स्ट इसका गेम आईडी, जिसके अंदर बहुत ही कम टीयर 3 कैरेक्टर तुम्हें देखने को मिलेंगे, यहाँ तक अवेकन कैरेक्टर बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो जो न्यू प्लेयर होता है जिनका एजेंट लेवल अंडर 100 है, उनका यहाँ पर में जो आईडी है वो तुम्हें कुछ इस तरीके की दिखेंगी। और उसके बाद में नेक्स्ट आईडी दिखाता हूँ जिनका लेवल 150 के आसपास है, ठीक है, 150 या 100 भी मान सकते हो। मैं 100 वालों का भी लेके आया हूँ, मेरे पास में है, मैं 100 वालों का भी लेके आया हूँ। तो 150 वाले के पास में जो है कम से कम चार प्रीमियम कॉमिक कार्ड है, और इसके जो पास में जो बोनस है वो 45% और 11% का पीएस डैमेज है। तो जिनका लेवल 150 है, मैं मान के चलता हूँ कि 150 लेवल के प्लेयर आईडी के पास में काफ़ी ज़्यादा पावर लेवल बोनस होगा, और उनके पास में कॉमिक कार्ड क्राफ्टेड होंगे, तो उनके पास में वर्ल्ड बॉस लेजेंड क्लियर करने की काबिलियत है। तो अंडर 100 के जो एजेंट है, जिनका प्लेयर्स का 100 एजेंट लेवल 100 के अंडर है, उनका यहाँ पर में वर्ल्ड बॉस लीजेंड क्लियर करना बहुत ही ज्यादा टफ रहेगा। जिनका तुम सब भला मुझे रोकोगे कैसे? जैसा कि हमारे बुढ़ऊ ने कहा है, साथ मिलकर 100 लेवल के अंडर है, मैक्सिमम 100। चलो ये 100 वाले का देख लेते हैं। 100 वाले के पास में सिर्फ 2 ही प्रीमियम कॉमिक कार्ड है, जिसके अंदर में 6% का 2-2%, 4% का पीएस डैमेज मिला हुआ है, ठीक है, ब्लू स्टार। बाकी के इसके कॉमिक कार्ड में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर मैं ऑल अटैक है 29% का, फिजिकल अटैक है 25 और कूल डाउन ड्यूरेशन 22। तो ये पावर लेवल एक आइडिया दे रहा हूँ तुमको, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मान लो तुम्हारा एजेंट लेवल 100 के अंदर है, तो तुम्हारे पास में ये लेवल के प्रीमियम कॉमिक कार्ड या ये लेवल के कॉमिक कार्ड तुम्हारे पास में हो सकते हैं। डिस्प्ले पे देख लो, ऐसे वाले इसके पास में कम से कम 4-5 प्रीमियम कॉमिक कार्ड है, कुछ ज़्यादा ही हो गया, 102 के लेवल के आइडिया, एजेंट लेवल 102 और 5 प्रीमियम कॉमिक कार्ड, और उसमें से सिलेक्टेड ही 1-2 प्रीमियम कॉमिक कार्ड ही क्राफ्टेड है, बाकी की क्राफ्टेड होने के बाकी है। तो मान लो कि तुम्हारा एजेंट लेवल 102 या 100-150 के अंडर है, तो तुम न्यू प्लेयर में काउंट करूंगा मैं तुमको, ओल्ड प्लेयर में काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, एजेंट लेवल 50 के नीचे है उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, न्यू प्लेयर्स के लिए। उनके लिए बेस्ट टीम क्या है वर्ल्ड बॉस लेजेंड के लिए वो टीम बताऊंगा, साथ में उसको क्लियर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो इनका जो प्रीमियम कॉमिक कार्ड है, इनके पास ज़्यादा प्रीमियम कॉमिक कार्ड नहीं होते, जिनका एजेंट लेवल अंडर 100 है, इनकी बात कर रहा हूँ। ये इसका एजेंट लेवल 50 है, इसका छोड़ देते हम लोग, एजेंट लेवल पकड़ लेते हैं 100 का। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखा था, सेम वही वाला आईडी में दिखाऊंगा, ताकि तुमको एक थोड़ा आइडिया लगे कि एजेंट लेवल अगर 100 के आसपास है तो कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है। मैं वही बंदे का गेम आईडी खोलता हूँ जिसका 100 लेवल 102 था। तो यहाँ पर बंदे का तुम्हारे पास कॉमिक कार्ड देख सकते हो, 5 के 5 प्रीमियम कॉमिक कार्ड है, और उसमें से कुछ क्राफ्टेड है, कुछ क्राफ्टेड नहीं है। तो मान लो तुम्हारे पास में इतने प्रीमियम कॉमिक कार्ड है, तो तुम वर्ल्ड बॉस लेजेंड क्लियर कर सकते हो। एजेंट लेवल अगर 100 है तो 100 केस में तुम वर्ल्ड बॉस लेजेंड क्लियर कर सकते हो। तुम्हारा काम हो गया, शाबाश। क्या अच्छा काम किया तुमने। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। और पीएस डैमेज तुम्हारे पास में मिल जाएगा 4% है, 4% से आराम से क्लियर हो सकता है। कैरेक्टर भी काफी एनफ क्वांटिटी में है, अगर तुम्हारा एजेंट लेवल 100 है या 100 के आसपास या 100 से थोड़ा ऊपर है, तो भी तुम वर्ल्ड बॉस लेजेंड क्लियर कर सकते हो, कैपेबल हो, अल्टीमेट भी क्लियर कर सकते हो, और काफी सारे लेजेंड स्टेजेस भी क्लियर कर सकते हो, मेपिस्टो भी जा सकते हो, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन तक भी जा सकते हो।
आपके लिए यही सही वक्त है गुस्सा होने का। यही तो मेरा राज है कैप्टन, मैं गुस्से में ही रहता हूं। थोड़ा पावर लेवल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें टीम क्या है, इन स्टेजेस की क्लियर करने की टीम क्या है। देखो मैं पहले पहली शॉर्टकट यहाँ पर मैं बता देता हूँ, तुम्हारा वैलर भी ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पर, मैं वैलर और तुम्हारा रेसिस्ट वो भी इंक्रेस होना चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर स्टेज क्लियर करने में और इजी पड़ेगा। प्लस टीम बता दो डायरेक्ट, टीम की तरफ चलते हैं लेवल 9 तक। ठीक है, मैं लेवल 9 तक का गाइड दूंगा, उसके आगे का गाइड जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, एक्सपेंसिव है, हार्ड है, तो मैं अगले वीडियो में दूंगा, इस वाले वीडियो में नहीं दूंगा। ठीक है, अगला वाला वीडियो भी देख लेना जो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इस वाले वीडियो में मैं 5 टीम बताऊंगा, 5 टीम कौन सी सिलेक्ट करनी है। देखो सबसे पहला तो जो टीम है, टीम मैं रिकमेंड करूंगा सस्ती, जो तुम्हारे लिए बेस्ट है, बेसिक है। सबसे पहले वाली टीम रहेगी तुम्हारी RMM की टीम। RMM को Tier 3 करना है, लेवल 80 करना है, अगर पॉसिबल है और बॉस लेजेंड क्लियर करने के बाद में लेवल 80 हो जाता है तो लेवल 80 करना है, और उसके पहले Tier 3 करने के बाद में वर्ल्ड बॉस लेजेंड क्लियर करना है, और फिर सेकंड पोटेंशियल इसको अनलॉक करना है RMM का, वो Tier 3 होने के बाद ही अनलॉक होगा। अच्छा, ये पहले टीम RMM की टीम यूज करना है यहाँ पर। मैं सेंटर में तुम्हें हल्क बस्टर लगाना है, साइड में तुम्हें साइक्लोप लगाना है, और ये तुम्हारी RMM की टीम रेडी, इससे तुम वर्ल्ड बॉस लेजेंड क्लियर कर सकते हो। क्लियर करने की बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है मेरे चैनल पे और मेरे प्लेलिस्ट में भी है, हाउ टू क्लियर वर्ल्ड बॉस लेजेंड वाली प्लेलिस्ट ओपन करना, उस प्लेलिस्ट के अंदर ढेर सारी वीडियोस है, वो वॉच करो। सेकंड टीम चाहिए तो सेकंड टीम तुम ले सकते हो, तुम्हारे पास अगर शेरॉन Tier 3 है तो शेरॉन को यूज़ कर सकते हो, अगर शेरॉन नहीं है, मान लो कि शेरॉन नहीं है तुम्हारे पास में, F2B प्लेयर्स जिनका एजेंट लेवल 150 के अंदर है, मैं उनको कंसिडर लेके चल रहा हूँ, तो 150 वालों के पास में कम से कम Tier 3 कैरेक्टर तो होंगे ही होंगे। हल्क है, ब्लैक पैंथर है, मेरा भी गेम आईडी दिखाई तुम्हें, काफ़ी सारी गेम आईडी दिखाई, उसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर Tier 3 है, शेरॉन तो होगी ही, उसका भी यूज़ कर सकते हो। शेरॉन की अगली टीम दिखा देता हूँ, सस्ती पर टीम बता रहा हूँ, जो ब्लास्ट फीमेल कैटेगरी में है, ABX ABL में भी काम आएगी कैरेक्टर, इसलिए रिकमेंड करो, नहीं तो मैं शेरॉन को रिकमेंड नहीं करता, अगर वो उसका यूज नहीं होता तो रिकमेंड नहीं करता। मैं क्लिंट हूं तो क्या मिठाई बांटूं, लेकिन यूज है इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं। तो ये कैरेक्टर यूज कर सकते हो शेरॉन को, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड वाली टीम बता देता हूं, थर्ड वाली टीम तुम लोग घोसाडा को यूज कर सकते हो। अभी जिन लोगों ने घोसाडा का यूनिफॉर्म मिस किया है, उनके पास में घोसाडा नहीं होगा, उनको छोड़ के जिनके पास में घोसाडा का यूनिफॉर्म है, मैं उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, है यूज़ करो, वर्ल्ड बॉस लेजेंड क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में फोर्थ टीम मैं तुम्हें कंसिडर करूँगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज लेके जाओ, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो दूसरे कैरेक्टर में रिकमेंड कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रिकमेंड कर देता हूँ कैटेगरी वाइज। कॉम्बैट कैटेगरी में दो कैरेक्टर है, एक हल्क है, इसको यूज़ कर सकते हो वर्ल्ड बॉस लेजेंड क्लियर करने के लिए, इसके पास में HP, हीलिंग, रिकवरी, ये तीनों चीज़ें हैं जो बहुत बेटर है, कि इसका हीलिंग, रिकवरी, डिफेंस बढ़िया है, इसको लेके जा सकते हो वर्ल्ड बॉस लेजेंड क्लियर करने के लिए, टाइम ज़्यादा लेगा लेकिन क्लियर करके दे देगा। दूसरी चीज़, ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका हीलिंग का प्रॉब्लम है, तो उसको Tier 3 करना है कर सकते हो, मैंने पहले भी बता के रखा है, Tier 3 के साथ में यूज़ करोगे ब्लैक पैंथर को तो कर सकते हैं, ये भी वर्ल्ड बॉस लेजेंड क्लियर कर सकता है। कॉम्बैट कैटेगरी का मैं दो कैरेक्टर रिकमेंड कर रहा हूँ, तुम लोग अपने हिसाब से देख लो तुम्हारे पास में कौन सा है। तुम बोलोगे कि भाई वुल्वरीन से काम हो सकता है क्या, हो तो जाएगा, बट इसको वैसा बिल्ड करना पड़ेगा कि वर्ल्ड बॉस लेजेंड ये क्लियर कर ले। PvP बिल्ड वाले अगर तुम देखे चलते हो, मान लो कि रीजनरेशन लगाया, ग्रिड लगाया, उसके साथ में लगा के अगर यूज़ करते हो तो वर्ल्ड बॉस लेजेंड क्लियर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं देगी, वो कर देगा क्लियर, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में अगला यहाँ पर टीम बता देता हूँ, अगला कॉम्बैट्स के जितने भी कैरेक्टर हो सकते थे बेस्ट वो बताया मैंने। कॉम्बैट के मून नाइट वगैरह रिकमेंड नहीं किया मैंने इस लिस्ट में, बिकॉज वो कैरेक्टर अभी बहुत पुराने हो चुके हैं, तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा, उनका कैरेक्टर का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, तुम लोग को अगर यूज़ करना है तो कर सकते हो, वेकन सेक्शन से उठा सकते हो, लेकिन मैं अभी भी प्रीफर करूँगा कि तुम लोग Tier 3 कैरेक्टर ही यूज़ करो, अवेकन यूज़ करना करो ठीक है, लेकिन ज़्यादा यूज़ मत करना, अवेकन कैरेक्टर के भरोसे पर मत बैठना, अवेकन कैरेक्टर एक टाइम पे जाके धोखा देंगे, तो इनका मैं समझ जाओ तुम, शाबाश। आगे
स्पीड टेक कैटेगरी, स्पीड टेक कैटेगरी में कुछ बेस्ट टीम रिकमेंड कर देता हूँ F2B प्लेयर्स के लिए जिनका एजेंट लेवल 150 के अंदर है, उनके लिए उनके पास में T3 वेकन कैरेक्टर थोड़े बहुत क्वांटिटी में होंगे, सारे तो नहीं होंगे लेकिन कुछ स्पेसिफिक तो होंगे अच्छे वाले। तो उनमें से सबसे पहला वाला कैरेक्टर बता देता हूँ, स्पाइडरमैन होगा। मान लो माइल्स मोरालेस भी T3 है, एंटमैन भी T3 है, तो ये तीनों कैरेक्टर तुम स्पीड टेक कैटेगरी में वॉल्बॉस लेजेंड अनलॉक करने के लिए प्ले करने के लिए यूज कर सकते हो स्पीड टेक कैटेगरी के। ब्लैक विडो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, इसके पीछे बहुत साफ रीजन है भाई, ब्लैक विडो से जो प्यार मोहब्बत था वो खत्म हो चुका है, अभी नफरत के नजर से देखता हूँ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है, जैसा मैंने कहा था बुरा हुआ। बाय बाय टाटा गुड बाय गया, नहीं पसंद है भाई, टट्टी है बवासीर है बेकार है, जिस दिन अच्छी हो जाएगी उस दिन रिकमेंड करना चालू कर दूंगा। नो ब्लैक विडो, नो नो, बाय बाय टाटा गुड नाइट गया, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। इसके अलावा बाकी कैरेक्टर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उनमें T4 की एबिलिटी आई हुई नहीं है, इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा। जिनका अच्छा यूनिफॉर्म है, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है वही रिकमेंड करूंगा, बाकी का रिकमेंड नहीं करूंगा। ब्लास्ट टाइप कैटेगरी, ब्लास्ट टाइप कैटेगरी का तुम लोग यहाँ पर कैरेक्टर चूज कर सकते हो। ब्लास्ट टाइप कैटेगरी में एक आयरन मैन मैंने बताया, दूसरा मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज बताया, और यहाँ पर मैं थर्ड वाला जो कैरेक्टर है वो केबल का कैरेक्टर यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास में वॉल्बॉस अल्टीमेट तुमने अनलॉक किया, केबल का कैरेक्टर वहां से लिया, एक्समैन का एक ABX ABL करने के लिए कैरेक्टर चाहिए मेल टाइप कैटेगरी का, तो केबल का सस्ता कैरेक्टर है जो तुमको वॉल्बॉस लेजेंड से मिल जाएगा। इस कैरेक्टर को अगर लेते हो ये ABX ABL में काम आएगा, प्लस ये वॉल्बॉस लेजेंड भी क्लियर करके देगा, हाई स्टेज भले ही क्लियर ना करके दे लेकिन मिनिमम जो लोअर स्टेज है वो क्लियर करके देगा, ये कैरेक्टर का इस्तेमाल करने के लिए ठीक है। उसके बाद शेरोंग का नाम लिया था, ये एक ब्लास्ट टाइप कैटेगरी की ये टीम है, इसको लेके जाना क्लियर कर देगी। इसके अलावा बाकी कोई कैरेक्टर अवेकन सेक्शन से कोई कैरेक्टर रिकमेंड नहीं करूंगा, ना नहीं ना, फिर भी लेना है तो ह्यूमन टॉर्च है, बस खत्म, बात खत्म, बस 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 बस, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है, पता है। अगला कैरेक्टर, अगला कैटेगरी के कैरेक्टर रिकमेंड कर देता हूँ, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कैटेगरी के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें यूनिवर्सल में अभी हाल ही में एक कैरेक्टर का अपडेट आया हुआ था, कैप्टन मार्वल, कैप्टन मार्वल का लेटेस्ट वाला यूनिफॉर्म, उसके साथ में T3 करके यूज कर सकते हो, ABX ABL में काम आ जाएगी। हाई स्टेजेस ज़्यादा डिपेंडिंग, ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंडिंग रहने की जरूरत नहीं है, कब आएगी कब जाएगी कोई गारंटी नहीं, तो क्या पता कब तक टिके कब तक ना टिके, हो सकता है 5-6 महीनों के अंदर ही डेड हो जाए, कोई गारंटी नहीं है, तो देख लेना अपने हिसाब से। मेरी तरफ से यूनिवर्सल कैटेगरी के लिए ओके है, डन है, मतलब काम चलाऊ समझ सकते हो, काम चलाऊ मतलब जिसको यूज करो और बाद में इससे बेटर आया तो निकल के फेंक दो, हरामी हो बेटा, बस वैसा ही, इससे बेटर आएगा तो भी देखना तुम, मजे देखो फिर तुम, सही बात है। वैसे कैप्टन मार्वल को साइड में करते हैं लोग, देखो 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 बेशरम। लोकी का कैरेक्टर आया था अभी लेटेस्ट यूनिफॉर्म के साथ में, लोकी के कैरेक्टर यूज कर सकते हो, अगर तुम्हें वॉल्बॉस लेजेंड क्लियर करने के लिए यूनिवर्सल टाइप का सुपर विलन टाइप का कैरेक्टर चाहिए तो डेफिनेटली करो, T3 करो, मैंने T3 लिस्ट में ऑलरेडी डाल के रखा है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला उसके बाद में थॉर का कैरेक्टर है, थॉर के कैरेक्टर से वॉल्बॉस लेजेंड क्लियर कर सकते हो, वॉल्बॉस लेजेंड क्लियर कर सकते हो, कर देगा, ABX एबल में भी काम आता है आता रहेगा, बेटर है। उसके बाद में गोस्ट ऑर्डर भी, अगर तुम्हारे पास में लेटेस्ट यूनिफॉर्म है बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, करते जाओ फिर आगे आगे। उसके बाद में ये तो चलो बेसिक कैरेक्टर मैं तुमको रिकमेंड कर दिया, इसके अलावा बाकी तुम्हारे पास में अगर ब्लैक बोल्ट का रेड वाला यूनिफॉर्म है, डन, करते जाओ आगे बढ़ते जाओ। उसके बाद में अगर ओडिन का भी कैरेक्टर है तुम्हारे पास में, अगर इतना लेवल है तुम्हारे पास कि ओडिन का भी तुमने कर रखा T3, तो इसका लेटेस्ट वाला यूनिफॉर्म के साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस पावर लेवल थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बिल्ड थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ध्यान रखना, ये भी कर सकते हैं। मैं इधर नहीं जा रहा, अगर यूनिफॉर्म होगा तो ठीक है, कर सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम देगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास में एजेंट लेवल 150 के अंदर तुम्हारे पास में जेंगरे होगी, मेरे को नहीं लगता होगी, बट कुछ लोगों के पास में है, मैंने खुद ID चेक किया हुआ है, कुछ लोगों के पास में है, तो जेंगरे भी क्लियर कर सकती है, अगर है तुम्हारे पास तो डेफिनेटली क्लियर कर सकती है, पियर्स हो ना हो ये क्लियर कैरेक्टर करके देगी। हाँ, अगर कॉमिक कार्ड बहुत ज़्यादा ही वीक है तो क्लियर करने में प्रॉब्लम आएगा, कभी भी क्या, अबे बात तो पूरी करके जा। लेकिन अगर कॉमिक कार्ड मिनिमम लेवल पे है, जैसे मैंने वीडियो को शुरुआत में स्टार्टिंग में दिखाया था, उस लेवल के अगर प्रीमियम कॉमिक कार्ड है तो वॉल्बॉस लेजेंड क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लेगा।
तो ये 5-6 कैरेक्टर मैंने अलग अलग कैटेगरी के बता दिया। अभी मैं एक एक कैटेगरी के कैरेक्टर यूज़ करता हूँ। डार्क टाइप के 3 कैरेक्टर यूज़ करता हूँ, यूनिवर्सल के 2-3 यूज़ करता हूँ, और स्पीड टाइप का एक भी कैरेक्टर मैं यूज़ नहीं करता। वोल्बॉस लेजेंड में तुम्हारे को यूज़ करना है तो एंटमैन और माइल्स मोरालेस है, उनके कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो वोल्बॉस लेजेंड में। मेरी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है मैंने बताया, बाकी आपकी मर्जी। हो गया। अच्छा, ये F2B प्लेयर्स के लिए यहाँ पर लेवल 9 तक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके आगे अगर जाना है तो इसके आगे जाने के लिए इसका जो रिक्वायरमेंट था लेवल 10 पे कोई कैरेक्टर था जिसको यूज़ करना था, वो कैरेक्टर कौन सा था वो मैं भूल चुका हूँ। तुम लोग पुरानी वीडियो उठा के देख लेना, लेवल 10 अनलॉक करने के लिए कौन सा कैरेक्टर लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन बताना। जो भी कमेंट सेक्शन बताएंगे पिन कर दूंगा। आगे लेवल आगे जाने के लिए रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और उसके बाद में स्पाइडर वुमन का कैरेक्टर लगेगा लेवल 20 के लिए। तो आगे के स्टेजेस जैसे जैसे तुम अलग अलग वर्ल्ड बॉस लेजेंड अनलॉक करोगे, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन, मेफिस्टो, ये वो लसन, जो भी कैरेक्टर तुम्हें करना है वो यहाँ पर मैं रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगी। अब जैसे यहाँ पर मैं 30 पे हूँ, तो 30 पे यहाँ पर टोटल जो लगेगा मॉर्बियस कैरेक्टर लगेगा। मॉर्बियस कैरेक्टर मेरे पास में है नहीं, तो मैं 30 के आगे जा नहीं सकता, रिक्वायरमेंट लगी पड़ी है। तो रिक्वायरमेंट के वजह से इंसान जो है पीछे चला जाता है, तो रिक्वायरमेंट इज वेरी बैड। सही बात है। बाकी का पीएस डैमेज कितना चाहिए वो मैंने बता दिया, 2-4% या 6% 8% रहता है, तो क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड प्लस तुम्हारा कैरेक्टर का बिल्ड वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में पार्ट में ही बोलना चाहिए था, बट ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं बोल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं तुम्हारा जो कैरेक्टर का बिल्ड है वो कैरेक्टर बिल्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो तुम्हारा कैरेक्टर का जो बिल्ड है वो अच्छा होना चाहिए, तब जाके तुम वर्ल्ड बॉस लेजेंड क्लियर कर पाओगे। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा 80 के 120-130 का होना चाहिए, उतना नहीं रहा तो भी चलेगा। 40-50 80 के है तुम्हारे पास, 40-50 का ऑल 80 के है, तो उससे काम चल जाएगा, स्टेज क्लियर करके दे देगा। प्लस तुम्हारा जो कैरेक्टर का बिल्ड है उसके अंदर में तुमने ब्लेसिंग शुरू कैसे लगा के रखे हुए हैं, आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, थॉर, हल्क, और भी बाकी सही कई सारे कैरेक्टर है यूनिवर्सल कैटेगरी के, ब्लास्ट के, स्पीड के, कॉम्बैट के, ऑल उनमें ब्लेसिंग शुरू किस टाइप के लगाए हैं वो देख लेना, एनर्जी अटैक के, फिजिकल अटैक के, वो सही कैरेक्टर को सही बिल्ड देना, तभी स्टेज क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर करने में प्रॉब्लम देगा, ठीक है। उसके बाद में रही बात सीटीपी एनर्जी या रिफोर्ज करने की, तो देखो सीटीपी एनर्जी रिफोर्ज करोगे तो स्टेज को में क्लियर करने के लिए पीएस डैमेज एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन सीटीपी एनर्जी को रिफोर्ज करने के लिए एक एक्स्ट्रा सीटीपी चाहिए, ट्रांसेंडेंस भी चाहिए और सीटीपी एक और एक्स्ट्रा चाहिए एनर्जी, तभी जाके तुम पीएस डैमेज सीटीपी एनर्जी में ला पाओगे, और ये पीएस डैमेज का इस्तेमाल करके स्टेज को जल्दी क्लियर कर सकते हो। डन, तो 6% का पीएस डैमेज मिलेगा सीटीपी रिफोर्ज करके, और 6% का पीएस डैमेज लेके तुम स्टेज क्लियर कर सकते हो वर्ल्ड बॉस लेजेंड का। और वर्ल्ड बॉस लेजेंड जीबीआर भी करना है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा पावर लेवल बढ़ाना पड़ेगा। वर्ल्ड बॉस लेजेंड जीबीआर करने के लिए, वर्ल्ड बॉस लेजेंड या जीबीआर खेलने के लिए पावर लेवल काफ़ी अच्छा चाहिए, मैं रिपीट करके बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना इस तरफ में, यहाँ पर ये देखो यहाँ वर्ल्ड बॉस लेजेंड कैसे क्लियर करोगे उसकी यहाँ पर वीडियोस है, यहाँ पर वॉच कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, टाइटन बुक कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, ब्लेसिंग शुरू कैसे निकालना है, टाइटन बुक का क्या लफड़ा है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो जाओ देखो एंड एंजॉय करो, ओके। बहुत सारी वीडियोस बनाए रखी है, चेक कर लेना, ओके डन।